बूंदी का पाठ 4 हिमादास पढ़ेंगे। इसमें एक छोटी सी बच्ची हिमादास ने अपने जीवन के संघर्षों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को बहुत ही कठिनता से प्राप्त किया था। चलिए पढ़ते हैं। जिस आयु में बहुत से बच्चे कुछ बनने का स्वप्न देखना शुरू करते हैं, उसी उम्र में धान के खेतों से निकली देश की एक बेटी ने विदेशी धरती इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देश का परचम लहराकर उड़न परी गोल्डन गर्ल का खिताब हासिल कर लिया। हिमादास का जन्म 9 जनवरी सन 2000 में असम के एक छोटे से गांव धीरा में हुआ था। इनकी माता का नाम जोनाली तथा पिता का नाम रोनजीत दास है। हिमा अपने घर में 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। हिमा के पिता गरीब किसान थे और अपने 2 बीघे खेत में धान की खेती किया करते थे। उसी फसल से घर का खर्च चलता था। बचपन में हिमादास अपने गांव के लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी और लड़कों की भांति ही स्ट्राइक लगाती थी। साथ ही साथ अपने मन में एक अच्छा स्ट्राइकर बनने का स्वप्न देखती थी। लेकिन उसके विद्यालय में शारीरिक शिक्षक ने उनसे कहा कि फुटबॉल में कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है। यहीं से धावक बनने की कहानी प्रारंभ होती है। दौड़ की अनेक प्रतियोगिताओं में उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। सन 2017 में आयोजित अंतर जनपदीय दौड़ प्रतियोगिता के दौरान उनकी मुलाकात निपुण दास से हुई, जिन्होंने हिमा की प्रतिभा को देखते हुए उसे अच्छे प्रशिक्षण हेतु गुवाहाटी आने को कहा। लेकिन हिमा की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह गुवाहाटी जा सके। यह बात जब कोच निपुण दास को पता चली तो उससे मिलने उसके घर जा पहुँचे और हिमा की प्रतिभा को घर वालों से बताया कि अगर इसे सही प्रशिक्षण मिल जाए तो यह अपना व देश का नाम रोशन कर सकती है। माता पिता अपनी बिटिया का नाम रोशन होते हुए तो देखना चाहते थे, परंतु उनके पास इतना धन नहीं था कि वे उसे गुवाहाटी भेज सकें। कोच निपुण दास ने उनसे कहा कि आप पैसों की चिंता न करें, मैं इसके रहने खाने आदि का इंतजाम कर दूंगा। यह सुनकर घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा और वे अपनी बिटिया को गुवाहाटी भेजने के लिए तैयार हो गए। हिमादास जब गुवाहाटी पहुंची, तभी पहली बार उसने स्पाइक्स शूज पहने थे। पहले कोच निपुण दास हिमा को 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यह 400 मीटर दौड़ में ज़्यादा अच्छा कर सकती है, तो उन्होंने हिमा को 400 मीटर दौड़ के लिए प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। और मात्र 1 वर्ष के प्रशिक्षण से ही हिमादास 13 जुलाई 2018 को U20 विश्व एथलेटिक्स AAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन में विश्व रिकॉर्ड 50.79 सेकेंड के साथ भारत की पहली धाविका बनी। इसके साथ ही साथ अगस्त सितंबर 2018 के मध्य जकार्ता में आयोजित एशियन खेलों में 1 स्वर्ण पदक व 2 रजत पदक भी जीते, जिसकी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। हिमादास की प्रेरणा से हमारे देश के लोगों में बेटियों को खेल में कैरियर बनाने के लिए एक अलग वातावरण मिल रहा है। हिमा के बारे में 4 पंक्तियां सहज ही निकल पड़ती हैं। हिमादास ने जीत लिया स्वर्ण पदक सम्मान, एथलेटिक्स में बढ़ गई भारत माँ की शान। ऐसे ही कितने हुनर छिपे हैं अपने देश, बस बढ़ने को चाहिए सही उन्हें परिवेश। इसके शब्दार्थ देखिए, कोच प्रशिक्षक, परिश्रम मेहनत, रनर धावक, इंतजाम व्यवस्था, स्पाइक्स सूज कांटेदार जूते जो दौड़ के समय पहने जाते हैं, परचम लहराना, नाम रोशन करना। प्रश्न और उनके उत्तर। हिमादास का जन्म कहाँ हुआ था? हिमादास का जन्म 9 जनवरी सन 2000 में असम के एक छोटे से गांव धींग में हुआ था। खाखंड, स्पाइक सूज क्या होते हैं, इनका उपयोग बताइए। उत्तर,
स्पाइक शूज कांटेदार जूते होते हैं जो दौड़ के समय पहने जाते हैं। गाखंड, बचपन में हिमा ने क्या बनने का सपना देखा था? उत्तर, बचपन में हिमा ने स्ट्राइकर बनने का सपना देखा था। घाखंड, हिमा ने विश्व स्तरीय कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में पदक जीता था? उत्तर, हिमा ने 13 जुलाई सन 2018 को अंडर 20 IAAF में विश्व रिकॉर्ड 50.79 सेकेंड के साथ भारत की पहली धाविका बनी। नंबर दो, अगस्त सितंबर 2018 जकार्ता में एशियन खेलों में एक स्वर्ण व दो रजत पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमा दास के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, हिमा दास की प्रेरणा से हमारे देश के लोगों में बेटियों को खेल में करियर बनाने के लिए एक अलग वातावरण मिल रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर है कि लोग अब बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, सही का निशान लगाइए। काखंड, किस वर्ष हिमा ने गोल्ड मेडल जीता? 2017, 2015, 2018 या 2013? तो सही उत्तर है 2018। स्पाइक शूज पहली बार उसने कहाँ पहना था? देखिए, दिल्ली, असम, प्रयागराज या गुवाहाटी? तो आंसर है आपका गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए, हिमा के कोच थे कौन थे? रोनजीत दास, मंजीत दास, समर्थ दास या निपुण दास? कौन थे? निपुण दास। हिमा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती, दौड़, बैडमिंटन या हॉकी? दौड़ में। भाषा ज्ञान, विलोम शब्द लिखिए। परिश्रम, प्रारंभ, गुरु और अच्छा। ठीक है, परिश्रम का क्या होगा? आलस। प्रारंभ का अंत, गुरु शिष्य, अच्छा बुरा। अब आपको पर्यायवाची लिखना है। बेटी बेटी, लड़की, माता माँ, खुशी प्रसन्नता, पहाड़ पर्वत, पिता जनक और देश राष्ट्र और मुल्क। प्रश्न नंबर 4, विचारणीय प्रश्न। काखंड, आपको कौन सा खेल अत्यंत प्रिय है और क्यों? यह आपको अपने आप लिखना है। काखंड, इस कहानी का एक सार्थक शीर्षक बताइए। जैसे इसका शीर्षक क्या था? हिमा दास। और आपको क्या लिखना है? अपनी तरफ से एक शीर्षक लिखना है। इसे भी जानिए। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि उल्टा। ठीक है, जैसे दिन का रात, ऐसे ही पर्यायवाची। किसी शब्द का समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पृथ्वी को और क्या कहते हैं? धरा।